वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज गाड़ी आई हमारे पास अतुल वालों की। तो इस गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी चलते चलते बंद हुई है, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ये चेक लाइट आ रही है गाड़ी में। ठीक है, एक चेक लाइट आ रही है, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें सेल्फ लगाते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं गाड़ी में कंडीशन क्या है, चलते चलते, क्योंकि गाड़ी चलते चलते बंद हुई है। तो ये सेल्फ लगा रहे हैं गाड़ी को, मगर गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक लाइट भी गाड़ी की ऑन है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इंजन की कंडीशन दिखाते हैं पहले एक बार आपको। अतुल वालों की फ्रेंड्स ये गाड़ी है। ठीक है, तो ये गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही है और इसमें गाड़ी में तेल वेल आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा इंजन और गाड़ी की वायरिंग आयरिंग में काम पहले भी हो चुका है गाड़ी में और ये गाड़ी चलते चलते बंद हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको तेल दिखाते हैं चाबी ऑन करके कि हमारे इंजेक्टर पर सबसे पहले तेल चेक करेंगे कि तेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका 14 नंबर खोलते हैं बाहर, तो बोल्ट बाहर खोलते हैं इसका, तो देखेंगे चाबी ऑन करके तेल इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। चाबी खोलो, चाबी खोलो। तो फ्रेंड्स इसमें चाबी ऑन करने पे तेल आ रहा है, क्योंकि चाबी ऑन करने पे तेल नहीं आना चाहिए इसमें, इसमें सेल्फ लगाने पे तेल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तेल डायरेक्ट आएगा तो रॉयल प्रेशर हाई हो जाएगा गाड़ी में। ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और इसमें डायरेक्ट तेल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तेल डायरेक्ट आ रहा है, चाबी ऑन करी जैसे ही उसी के साथ में इसमें तेल आ जाएगा। ठीक है, चाबी बंद कर वापस से खोलना। ये चाबी हमारी खुल चुकी है और इसमें ये तेल इसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक बार गाड़ी को डायग्नोस करेंगे कि गाड़ी में कोई क्या कोड आ रहा है, गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पर है। तो इसको टाइट कर दिया है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये लाइट हमारी चेक लाइट कंटिन्यू ऑन है गाड़ी की। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें स्कैनर लगा दिया है गाड़ी में। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे सबसे पहले गाड़ी को कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो चलेंगे महिंद्रा में, क्योंकि प्याजो का अपडेट इसमें आया नहीं है अभी, तो महिंद्रा से काम करेंगे अपना, महिंद्रा इंडियन। व्हीकल सिलेक्शन कॉमर्शियल व्हीकल। तो अब गाड़ी को चेक करेंगे अल्फा में, अल्फा BS6 में। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड फोल्ड कोड, तो इसमें क्रैंकशाफ्ट सिग्नल, क्रैंकशाफ्ट सेंसर सिग्नल एरर, EGR वाल ओपन लोड और SRC हाई फोर रेल प्रेशर सेंसर सिग्नल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनको एक बार क्लियर करके सेल्फ लगाएंगे वापस से और जो कोड हमारा वापस आएगा उस कोड पे काम करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो रीड फोल्ड कोड, नोट ट्रबल कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप सेल्फ लगाते हैं गाड़ी में। चेक लाइट जो हमारी कंटिन्यू ऑन थी वो चेक लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है और चेक लाइट हमारी दोनों जा चुकी हैं। तो ये चेक लाइट वापस से आ चुकी है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक बार रीड करेंगे कि कोड क्या आ रहा है गाड़ी में। तो EGR वाल्व ओपन लोड, तो फ्रेंड्स इस कोड से गाड़ी का स्टार्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो गाड़ी की जो प्रॉब्लम है गाड़ी में वो डीजल लाइन में दिक्कत है। तो सबसे पहले रीड डाटा स्ट्रीम में चल के देखेंगे कि गाड़ी में प्रेशर हमारा कितना बढ़ रहा है। तो आते हैं बैक, और महिंद्रा में रीड डाटा स्ट्रीम का ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो बैक आते हैं तो दिखाते हैं आपको कहाँ से रीड डाटा इसका चेक करेंगे गाड़ी का। यस,
तो हमें चलना है ईओबीडी में। ईओबीडी में इसका रेल का प्रेशर जो होता है, पंप का प्रेशर, वो प्रेशर चेक करेंगे कि प्रेशर गाड़ी का हमारा डाउन तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में और कोई ऐसा कोड नहीं आ रहा है जिससे गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो ये हमारा स्कैन हो चुका है, तो ओके, रीड फॉल्ट कोड जेनेटिक। तो इसमें ईजीआर का कोड आ रहा है, ईजीआर के कोड से कोई लेना देना नहीं है स्टार्टिंग का। तो री डाटा स्ट्रीम में चलना है हमें, तो लाइव डाटा, तो राइव डाटा हमारा खुल चुका है। तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है फ्यूल रेल प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्यूल रेल प्रेशर चेक करेंगे क्योंकि फ्यूल प्रेशर हमारा कितना भरा, क्योंकि गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। तो ओके, तो फ्रेंड्स इसमें 2000 तक की डिमांड इसमें कर रहा है, ठीक है, 2000 तक की डिमांड कर रहा है, मगर 1000 बार में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 1000 बार और 150, 200, 250 कितना प्रेशर भर रहा है वो प्रेशर चेक करेंगे सेल्फ लगा के। तो गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ, अभी 130 बार प्रेशर है। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो आप, इसमें 570 से ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं भर रहा है, और इतने में गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। जो रेल का जो प्रेशर भर रहा है, डीजल का प्रेशर बहुत ही डाउन है गाड़ी का, 700 बार के 570 के बार भर रहा है। कम से कम गाड़ी में 1000 बार का प्रेशर बनने चाहिए, तभी गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई, क्योंकि डिमांड 2000 की कर रहा है ये, ठीक है। तो वापस एक बार फिर सेल्फ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स 570 से ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं भर रहा है। तो गाड़ी का इस कंडीशन में करना क्या है, इसका गाड़ी का पंप खुलवाएंगे, ठीक है। 570 से ज़्यादा इसमें प्रेशर गाड़ी में नहीं भर रहा है, तो चलते हैं बैक। तो ये पंप लगाया हमारा, ठीक है, पंप लगाए, तो पंप को इसको बाहर खुलवाएंगे और इस पंप को चेंज करके देखेंगे कि गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं होती, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये पंप जो है, पंप प्रेशर बनाता है और गाड़ी में 570 बार से ज़्यादा प्रेशर नहीं भर रहा है, तो इस पंप को एक बार चेंज कराएंगे, ठीक है। तो एक पुराना पंप मंगाते हैं, इसके लिए सेकेंड हैंड पंप कोई लेते हैं और इसमें लगा के देखते हैं कि गाड़ी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो पंप खुलवाते हैं गाड़ी। तो फ्रेंड्स ये पंप हमारा खुल चुका है गाड़ी में से, ठीक है, पंप प्लंजर ये खुल चुका है गाड़ी में से, और ये पंप एक सेकेंड हैंड मंगाया है। तो इस पंप को लगाएंगे गाड़ी में, देखेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसका पंप प्रेशर नहीं बना रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रहा हमारा गाड़ी का पंप, तो इस पंप को फिटिंग कराते हैं इस गाड़ी में, लो। फ्रेंड्स पंप हमारा फिट हो चुका है इस तरफ, और ये रहा गाड़ी का पंप, और पंप इसमें फिटिंग करा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं, पहले जो इसमें तेल डायरेक्ट आ रहा था, अब तेल दिखाएंगे इसमें डायरेक्ट तेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चाबी खोलो, खोल ली। तो फ्रेंड्स इसमें तेल नहीं आ रहा है, ठीक है, जब सेल्फ मारेंगे तेल तभी इसमें आएगा, लगाओ सेल्फ। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो, इसमें सेल्फ लगाने पर तेल आ रहा है, रुको, चाबी बंद करके खोलो। तो इसमें कोई तेल नहीं आ रहा है, चाबी बंद करके खोलने पे कोई तेल नहीं आ रहा है, ठीक है। और जब सेल्फ लगाते हैं तभी इसमें तेल आ रहा है, और इस गाड़ी का पंप डायरेक्ट हो चुका था, ठीक है, तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी हमारी। तो एक बार सेल्फ ऑन लगाओ, ठीक है बस। तो फ्रेंड्स इसकी यर निकल चुकी है, ठीक है, तो यर निकाल कर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, लगाओ सेल्फ। लगा वापस से लगा। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एक्सीलेटर ले दौड़ा, एक्सीलेटर क्लच दबा के। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी का पंप खराब था। गाड़ी बंद करो,
तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। गाड़ी का पंप खराब था गाड़ी का, और गाड़ी हमारी हाफ चाबी स्टार्ट है गाड़ी। वापस से सेल मारो। मारो मारो। तो ये कमर्शियल गाड़ी है, आप पे लोडर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब दिखाते हैं इसकी लाइव डाटा में कितने बार इसमें प्रेशर भर रहा है, क्योंकि जब गाड़ी को, अभी गाड़ी स्टार्ट है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को कर दिया बंद, और बंद करने के बाद अब इसका लाइव डाटा सिलेक्ट करेंगे गाड़ी का। तो अब इसमें चाबी ऑफ करके ऑन कर रहे थे, तो उसमें 130 बार का प्रेशर भर रहा था, ठीक है, चाबी ऑन करने पे, चाबी ऑन कंडीशन पे, ठीक है, 130 बार का प्रेशर भर रहा था, मगर इसमें 130 और 300 कुछ भर रहा है, ठीक है। अब सेल्फ लगाते गाड़ी के, दिखाते कितना प्रेशर भर रहा है गाड़ी में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो उसमें ऑटोमेटिक ये बढ़ चुका है, हमारा फ्यूल प्रेशर ऑटोमेटिक हमारा बढ़ चुका है क्लियर तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।